नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जिंदगी में बच्चों की सफलता ही समाज के साथ परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उपलब्धि भी मानी जाती है। लेकिन उसके पीछे जो उपलब्धि होती है वो होती है गुरुजी शिक्षक का। शिक्षा का गाइडलाइन अगर सही तरीके से मिले और उसे 98% से ऊपर उस विषय में आए तो ये शिक्षक के लिए गौरव का विषय है और छात्र छात्राओं के लिए भी। हम बता दें, एज मैथमेटिक्स लगातार कई वर्षों से पूरे दरभंगा ही नहीं बल्कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के छात्रों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है अचीवमेंट के मामले से। हमारे साथ आर के झा सर हैं। ये हर बार देखा जा रहा है, इसका किस तरह आप करते हैं ताकि 98%, ये तो हालांकि कहता है कि मैथ में ज़्यादा आता है लेकिन इस तरह कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? शुरुआत से रहा है, बच्चों का मेहनत इसमें सबसे अहम रोल में होता है और सही से गाइडलाइन अगर बच्चों को दिया जाए तो ये बच्चे मेहनती हैं। मैथमेटिक्स के प्रति इनका इंटरेस्ट शुरुआत से होता है और वो एक चार चांद लगा देता है। अगर सही से मार्गदर्शन मिले तो मुझे पता रहता है कि बेस्ट कर सकते हैं स्कोर। ये मैथ में टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रिक्स हो और उसको लगातार प्रैक्टिस हो तो उसके बाद वो ज़्यादा रिजल्ट में परिणित हो जाता है। नहीं, ज़रूरी है। मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर बच्चों का अगर इसका सही ज्ञान ना हो, आप इसके बिना आप अधूरा है सब कुछ। अगर मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ बराबर कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ये सबको अपने गोद में रखा है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, इसको मेकअप कर लेता है। हाँ, तो मैथमेटिक्स बच्चों का अच्छा होना चाहिए और आगे ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आगे भी काम आना है। ये अगर एक आध सेक्टर को छोड़ के बाकी 99% सेक्टर में अगर जाएंगे तो मैथमेटिक्स के बिना बच्चों का काम अधूरा होता है। तो इनको इस सब्जेक्ट को अच्छा करना ज़रूरी है। इस पर मेरा हमेशा काम रहता है। इस बच्चों छात्र छात्राओं को अब क्या ट्रिक्स देते हैं? ये बहुत मायने है कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि पढ़ाते हैं, गणित पढ़ा लिए, बोर्ड पढ़ा, लेकिन ट्रिक्स क्या है जिससे छात्रों के, हालांकि ये तो किसी का इंटरनल रणनीति होता है, लेकिन आपका ट्रिक्स क्या है जिससे छात्र छात्राएं? मेरा सबसे मेन मोटो था बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को जगाना, वो खुद ही पढ़ लेंगे। उनके अंदर का जो रुचि है ना, उसके इंटरेस्ट को जगाए कि मैथमेटिक्स के महत्व को बताए, तब वो जानेंगे उन चीज़ों को और उसके प्रति उनका जागरूकता बढ़ेगा तो वो अच्छा कर सकते हैं। ये ट्रिक्स यही है। बाकी बच्चों का लेवल और मेंटलिटी देख के हर लेवल से पढ़ाते हैं। अब जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इशारों में सारी बातें समझ आती, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम पूरा जीरो स्तर के होते हैं तो वहाँ जीरो से उठाते। तो इसलिए मैं बराबर बच्चों को बोलता हूँ कि जीरो टू एडवांस लेवल में मैथमेटिक्स को पढ़ाना जानता हूँ। 2024 का जो रिजल्ट है उसमें कितना आप उत्साहित हैं और कितने छात्रों ने आपका गौरव आपका बढ़ाया? एक्चुअली अगर बात करें तो लगभग 150+ छात्रों ने मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर किया, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट और प्रीवियस ईयर की तरह हर साल इसी तरह से रिजल्ट रहा है। और हाईएस्ट की अगर बात करें तो 99 कई बच्चों का रहा है, 98, 97, तो इस तरह से, और सारे डिजर्विंग बच्चे हैं। और साथ ही आज का जो कार्यक्रम भी था, जो सम्मान समारोह था, तो इसमें मैंने बच्चों को आगे कैसे इनको अपने कैरियर का डिसीजन लेना चाहिए उन सब चीज़ों पे भी बात हुई है। साथ ही बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले और सही क्षेत्र का ज्ञान हो, उन सब चीज़ों पे बात हुई है। साथ में बच्चों को मोटिवेट करने का हम लोग काम किए, बच्चों को सम्मानित करने का काम किए, तो सारे बच्चे आए थे, काफ़ी खुश हैं इस रिजल्ट से हम लोग। तो बता दें, एज मैथमेटिक्स के डायरेक्टर हैं आर के झा, और बता दें आर के झा, हम कई ऐसे शिक्षकों को हमने देखा है, कहते हैं कि छात्र यहाँ से भाग जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं शिक्षकों के यहाँ से छात्र भागकर पलायन कर रहे हैं जिनके यहाँ सिलेबस समय पर पूरा नहीं होता है, अधूरा होता है या फिर सही टेक्निक से पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ देखिए, अच्छे छात्र यहाँ मौजूद हैं, यहाँ छात्र मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और डिसिप्लिन के साथ, सबसे बड़ी बात हम क्या है जब समझिए आपने अपने कोचिंग के आसपास का, डिसिप्लिन के साथ छात्र पूरी तरह मेहनत करते हैं और आज अचीवमेंट मिला है। आपके झा कोई नहीं बल्कि ये तमाम छात्र छात्राओं से भी हम पूछेंगे जो कि गांव से भी आते हैं। कहाँ, कितना मार्क्स है आपके? कुल मार्क्स मेरा 424 है और मैथ्स में 99 है। कहाँ से आए हैं? जेपी चौक भगवान दास दरभंगा। अच्छा, घर कहाँ? यही जेपी चौक पे। अच्छा, आसपास मोहल्ला में मालूम हुआ होगा कि रिजल्ट आपका है, क्या बोल रहे थे? सर सब बधाई दे रहे थे और बहुत खुश थे सब। खुश थे सब? यस। तो क्या करना चाहेंगे, किस तरह टेक्निक आपने अपनाया जिससे इतना मार्क्स आया? मैंने PYQ सारे बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करती रही और फार्मूला पे हमेशा मतलब जोर रहा कि फार्मूला को हमेशा अच्छे से रखना है, ये सब कुछ चीज़ें मैंने की थी। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा टोटल 420 है और मैथ्स में 98। कैसे 98 आ गया?
सर के बुरे मेहनत से और मेरे मेहनत से आया 98। सर कभी भी ये नहीं बोलते थे कि ट्रिक्स पे जाओ या बस फार्मूला रटवा दिए, उस पर नहीं, थियोरी पे ज़्यादा बेस्ट कर देगी, थियोरी तुमको आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, थियोरी पे ज़्यादा फोकस करते थे, मतलब सर इसीलिए इतना आगे। अच्छा, बहुत छात्र आपस में बात करते होंगे कि कहाँ पर है, किस तरह पढ़ाया जाता है, आपके रिजल्ट के बाद छात्र क्या डिस्कस कर रहे हैं? और यहाँ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि घर गांव से आए और आर के झा सर से एक बार ज़रूर पढ़ के देखें कि सर का यदि लेक्चर समझ में आए तो अच्छा, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर का यदि मटेरियल विद्यार्थी अच्छा से पूरा करे तो हम 98 ही नहीं 100 में 100 भी आ सकता है, हम ये दावा के साथ कह सकते हैं, सर का मटेरियल इतना बहुत अच्छा रहता है सर। 98 में और कितना? 96। अच्छा, ये एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी क्लास में अलग अलग एनवायरनमेंट है, छात्र हल्ला करते रहते हैं, सही तरीके से अटेंशन नहीं देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है जी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सर बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं, यहाँ का सर बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, यहाँ पर कोई भी छात्र अनुशासनहीन नहीं होता है। देखिए, यही सही सबसे बड़ी बात है, आप अपने बच्चों को कहीं भी किसी कोचिंग में नामांकन करवाते हैं तो उससे पहले गार्जियनों से हम बार बार अपील कर चुके हैं, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, भले किसी को खराब लग जाए, आप जाके देखिए वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे डिसिप्लिन है या नहीं, अगर डिसिप्लिन होंगे तो सक्सेस रेट निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और आर के झा का सक्सेस रेट निश्चित तौर पर इसलिए बढ़ा है कि पूरी डिसिप्लिन के साथ, कड़ाई के साथ न सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं बल्कि बच्चों को प्रेरित भी करते हैं और उनके कैरियर के प्रति जागरूक रहते हैं, इसीलिए दरभंगा के छात्र अभी भी आर के झा के यहाँ बरकरार है, लेकिन बाकी जगह छात्र भाग रहे हैं, और इस बात का रोना आजकल के शिक्षक आम खुलेआम बोलते हैं कि आप दरभंगा में छात्र नहीं हैं, लेकिन यहाँ देखिए छात्र उत्साहित भी हैं, छात्र रिजल्ट भी दे रहे हैं और छात्र तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि तमाम शिक्षकों को हम मनोबल बढ़ाएंगे जो वास्तव में ईमानदारी के साथ सिलेबस समय पर पूरा करते, प्रैक्टिस कराते हैं और अचीवमेंट हासिल करते हैं। धन्यवाद।